हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो लेक्चर है ये बेस्ड है एनसीईआरटी एक्सप्लोरिंग सीरीज ऑफ क्लास 11th पे। हम चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे और आज का जो टॉपिक है जहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। सो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है शौर्य ग्रोवर और उसके साथ स्टूडेंट्स आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाती है तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। उससे पहले स्टूडेंट्स, मैं आप सबको एक बात कहना चाहूँगी। मैं हर लेक्चर में कहती हूँ भी अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक्स हैं तो इट्स वेल एंड गुड, आप अपनी पेंसिल, अपना हाइलाइटर अपने हैंड में रखें और नोट कीजिए, ठीक है, हाइलाइटर से हाइलाइट कीजिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या कोई डेफिनेशन है। और अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है, ठीक है, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर पीडीएफ फॉर्म में, जैसे मान लो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 3 पेजेस कवर करते हैं तो वो 3 पेजेस आपको पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो आप में से जिन स्टूडेंट्स के पास न्यू एनसीईआरटी नहीं है वो डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट निकाल लो, नई खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा था आप कट कर लो, उसकी कटिंग्स ले लो, सीजर से कट करके पेस्ट करते जाओ अपनी एनसीईआरटी में, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा बहुत फ़र्क है, ठीक है। और आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन कहाँ पर मिलेगा ये भी बता देती हूँ, जहाँ पर हमारी वीडियो चल रही है। मान लो अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हो या अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन्स पे देख रहे हो तो जो वीडियो चल रही होती है उसके नीचे आप देखोगे तो पहले तो चैप्टर का नेम लिखा होता है या कोई हेडिंग होती है ना, फिर मेरी फ़ोटो होगी, उसके साथ ही एरो बनी होती है, वो उसके नीचे डिटेल्स होती हैं, उन डिटेल्स में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे आज के इस टॉपिक पर। आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। सो स्टूडेंट्स, एक सेकेंड, हाँ जी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या होती है, देखो, ऑल्दो द ओरिजिन ऑफ द आइडिया दैट मैटर इज कम्पोज ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटोमियम, मीनिंग इंडिविजिबल। देखो, सबसे पहला डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने हमें ये बताया था भी एक इंडिविजिबल पार्टिकल होता है। इंडिविजिबल, आप देखो कोई भी चीज़ रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्रैम करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको समझने की ज़रूरत होती है। इंडिविजिबल का मतलब होता है जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, डियर स्टूडेंट्स। अब जिसे डिवाइड नहीं कर सकते तो उन्होंने बोला था भी एक ऐसा, मतलब मैं कहूँ भी एक ऐसा पार्टिकल आया सबसे छोटा, सबसे इंडिविजिबल, जिसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, एटम आया, एटोमियो जिसे उन्होंने बोला था, जिसका मतलब होता है इंडिविजिबल, ठीक है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। सो आप देख सकते हो, ऑल्दो द ओरिजिन ऑफ आइडिया दैट मैटर इज कम्पोज ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटोमियो, मीनिंग इंडिविजिबल, डेट बैक्स टू द टाइम ऑफ डेमोक्रिस्टस, अ ग्रीक फिलोसोफर। इट अगेन स्टार्टेड इमर्जिंग एज अ रिजल्ट ऑफ सेवरल एक्सपेरिमेंटल स्टडीज विच लीड टू द लॉ मैंशन अबव। मतलब ये जो लॉज हमने ऊपर पढ़े ना उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें हमें स्टेट करता है, लेकिन इसने हमें सबसे पहली चीज़ जो ये बताई भी एटम जो है वो एक इंडिविजिबल पार्टिकल होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल। 1808 में डाल्टन पब्लिश्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी। इन्होंने 1808 में क्या पब्लिश किया, एक नया सिस्टम केमिकल फिलोसफी का, जिसके अंदर उन्होंने क्या क्या दिया, उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, उन्होंने कुछ टर्म्स हमें बताई। देखो, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल, हमें पता है मैटर जो हमारा पूरा यूनिवर्स है वो मैटर से बना हुआ है। मैटर, आपको मैंने स्टार्ट ऑफ चैप्टर में बताया था मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। आप लिख भी सकते हो उसको सर्कल लगा के, ऐसी कोई भी चीज़ जिसके पास मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे मैटर बोलते हैं। तो इनका जो सबसे पहला पॉस्टुलेट था वो यही था भी मैटर क्या है, वो इंडिविजिबल एटम से बना हुआ है। मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम, अभी उसने बोला भी एटोमियो जो होता है एक इंडिविजिबल स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, तो वो ये बोलता है अपने लॉ में, अपने मतलब पॉस्टुलेट में, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर वो ये बोलता है भी मैटर जिससे सारा यूनिवर्स बना हुआ है वो एक स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल एटम से बना हुआ है। ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, कोई भी गिवन एलिमेंट है, ठीक है, उसके अंदर जो एटम्स होते हैं, एक एलिमेंट मतलब एटम्स जो हैं वो कंबाइन करके एलिमेंट बना रहे हैं, एलिमेंट कंबाइन करके कंपाउंड बना रहे हैं, समझ पा रहे हो। तो वो कहते हैं ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। जितने भी मतलब मैं कहूँ गिवन एलिमेंट में एटम्स हैं ना, उनकी प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिकल होती है, उनका मतलब आइडेंटिकल मास होता है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट मास, अगर सेम एटम है तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी, उनका सब कुछ सेम होगा, लेकिन अगर डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट एटम मतलब डिफरेंट एलिमेंट है तो उसके अंदर डिफरेंट एटम्स की क्या होंगी, डिफरेंट मासेज होंगे, ठीक है।
कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो. अब मैंने आपको क्या बोला, एटम्स मिलकर एलिमेंट बनाएंगे, एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाएंगे. तो कंपाउंड कैसे बनते हैं, जब एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के जुड़ते हैं इकट्ठे तो वो कंपाउंड बनाते हैं. ठीक है, एटम्स जुड़े एलिमेंट बने, एलिमेंट जुड़े कंपाउंड बने. तो कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो. जब एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड्स बनते हैं. पहला उसने बोला मैटर जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल से बना, जिसे एटम्स कहते हैं. सेकंड उसने ये बोला भी जो एटम्स अगर आइडेंटिकल, मतलब जो एटम्स किसी पर्टिकुलर गिवन एलिमेंट के अगर सेम एटम्स है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी आइडेंटिकल होगी, उनका मास भी आइडेंटिकल होगा. लेकिन अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उनके एटम्स भी डिफरेंट होंगे, उनके मासेस भी डिफरेंट होंगे. फिर उन्होंने हमें ये बोला कंपाउंड्स जो होते हैं वो एटम से मिलकर बनते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, और जो कि फिक्स्ड रेशियो के अंदर कंबाइन करता है. केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम. केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन होती है एटम की. दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन के अंदर एटम्स ना तो डिस्ट्रॉयड होते हैं ना ही क्रिएटेड होते हैं. ठीक है, बस वो रीअरेंज कर लेते हैं अपने आप को. जैसे आपको एक रिएक्शन है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपको बचपन में याद होगी ए बी प्लस सी डी क्या दे रहा है, ए सी प्लस बी डी दे रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी एटम्स रीअरेंज कर रहे हैं ना कि वो खत्म हो रहे हैं. समझ पा रहे हो. आगे आप देखिए, ओके इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ. डाल्टन्स थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. अब जो हमने ऊपर लॉज पढ़े थे केमिकल कॉम्बिनेशन को, वो उनको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या करती है, प्रूव करती है सही है. हाउएवर इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम. लेकिन ये अब देखो, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है भाई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कौन से लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो वो गैशियस वॉल्यूम वाले लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर पाई. इट कुड नॉट प्रोवाइड द रीजन फॉर कंबाइनिंग ऑफ एटम्स. ये ना रीजन नहीं बता पाई भी एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं, ये पर्टिकुलर रीज़न नहीं बता पाई. जो फर्दर आगे जाके साइंटिस्ट ने क्या किया, एक्सप्लेन किया. अब स्टूडेंट्स टॉपिक आता है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हो. देखो क्या है, आफ्टर हैविंग सम आइडिया अबाउट द टर्म्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. अभी तक हमें मतलब एटम्स मॉलिक्यूल्स हम 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे, तो हमें इसका आइडिया तो है ही, और ऊपर भी हमने थोड़ा बहुत एटम मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ लिया, लॉज में भी पढ़ लिया है ना. तो अब वो कहता है इट इज़ अप्रोप्रिएट हेयर टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस. एटॉमिक मास किसका होता है, एटम का, और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, किसका होता है, मॉलिक्यूल का होता है ना. अब हम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को स्टडी करने वाले हैं. तो देखो एटॉमिक मास क्या होता है, द एटॉमिक मास और द मास ऑफ एन एटम. मैंने अभी बोला ना एटॉमिक मास किसका मास होता है, एटम का, और मॉलिक्यूलर मास किसका मास होता है, मॉलिक्यूल का. तो एटॉमिक मास या फिर मास ऑफ एन एटम इज एक्चुअली वेरी वेरी स्मॉल. क्या होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है, बिकॉज एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल. क्योंकि एटम्स क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं. तो जो एटॉमिक मास होता है एटम्स का, वो कम होता है क्योंकि वो छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं इन साइज. टुडे वी हैव सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स. हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स आ चुकी हैं. एग्जाम्पल मास स्पेक्ट्रोमीट्री. हमारे पास जैसे कि मास स्पेक्ट्रोमीट्री है जो क्या डिटरमाइन करता है, एटॉमिक मासेस फेयरली एक्यूरेटली. जो बिल्कुल एक्यूरेट एटॉमिक मास को डिफाइन कर सकता है. जैसे कि हमें पता है एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास मतलब बहुत स्मॉल होता है क्योंकि एटम स्मॉल होते हैं. लेकिन हमने इतनी अच्छी टेक्निक्स डेवलप कर ली हैं जो हमें उनके एटॉमिक मास ईजिली कैलकुलेट करने में हेल्प करती हैं. आगे देखिए, बट इन 19th सेंचुरी के अंदर साइंटिस्ट कुड डिटरमाइन द मास ऑफ वन एटम रिलेटिव टू अनदर बाई एक्सपेरिमेंटल मीन्स. मतलब जो पुरानी सेंचुरी थी, अब तो देखो बहुत सारी क्या टेक्निक्स आ गई हैं तो हम इजिली डिटरमाइन कर सकते हैं मास. लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट क्या करते थे, एक ना रिलेटिव ले लेते थे. मतलब क्या करते थे, जैसे कार्बन 12 को लिया गया था ना, मैंने आपको ये पहले भी बताया था, अगर किसी ने वीडियो देखनी है वो वीडियो भी देख सकते हैं जाकर लेक्चर में, मैंने जो ब्लैकबोर्ड पे पढ़ाया. तो मैंने बोला था एक रेफरेंस लेके चलते हैं, उस रेफरेंस के हेल्प से क्या करते हैं, वो सबका मास कैलकुलेट करने लग जाते हैं. मतलब एक का निकाल लिया, उसकी हेल्प से वो दूसरों का निकाल लेते हैं. तो वो क्या कहता है, उस टाइम पर साइंटिस्ट क्या करते थे, डिटरमाइन करते थे मास ऑफ वन एटम रिलेटिव टू अनदर बाय एक्सपेरिमेंटल मीन्स, एक्सपेरिमेंट की हेल्प से. एज हैज़ बीन मेंशनड अर्लियर, जो ऑलरेडी बता दिया गया पहले, हाइड्रोजन बींग द लाइटेस्ट एटम. हाइड्रोजन जो है बहुत ही लाइटेस्ट यानी कि बहुत ही हल्का एटम है, वॉज एब्रिटरली असाइंड एज मास ऑफ वन. मतलब एटम जो है बहुत हल्का एटम था, मतलब हाइड्रोजन जो है वो बहुत हल्का एलिमेंट है, इस वजह से उसको जो मास दिया गया वो वन दिया गया क्योंकि वो लाइटेस्ट एटम है. ठीक है, एंड अदर एलिमेंट्स वर असाइंड मास रिलेटिव टू इट. और
इसको देखकर ही बाकियों को असाइन किया गया। जैसे हाइड्रोजन जो है वो हल्का है तो उसको 1 दे दिया, अब उससे जो हैवी होगा उसको 1 से थोड़ा ज़्यादा दिया जाएगा, अब उससे जो हैवी होगा उसको उससे भी थोड़ा ज़्यादा। तो मतलब एक का मास जब डिटरमाइन कर लिया तो बाकियों का उसकी हेल्प से ही हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है, उसको कंसीडर करके ही डिटरमाइन कर सकते हैं। हाउएवर द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एटॉमिक मासेस, अब जो प्रेजेंट सिस्टम है ये तो 19th सेंचुरी की बात कर रहा था, अभी इन्होंने क्या किया, अभी एक का निकाल लिया, उसकी हेल्प से वो दूसरा का हेल्प करके निकालने लगे। अब मतलब जो प्रेजेंट सिस्टम है एटॉमिक मासेस का वो बेस्ड है कार्बन 12 पे एज स्टैंडर्ड, कार्बन 12 को एज स्टैंडर्ड कंसीडर करता है एंड हैज़ बीन एग्रीड अपॉन इन 1961 और 1961 में प्रूव भी किया गया है अब ये सिस्टम करेक्ट है। हेयर अब यहाँ पर क्या होता है सिस्टम के अंदर, कार्बन 12, देखो कार्बन 12 क्यों बोला गया, क्योंकि कार्बन के आइसोटॉप्स होते हैं। अब आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, ठीक है, आइसोस्टर्स, ये सारी जो है डेफिनेशंस मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, कुछ वो नहीं है। आइसोटॉप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक जो नंबर है वो तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, मतलब 6 तो इसका एटॉमिक नंबर है ही लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, कार्बन 12, कार्बन 14 ऐसे, ठीक है। तो कार्बन 12 जो है वो एक आइसोटॉप है कार्बन का और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे C12 की फॉर्म में। इस सिस्टम के अंदर मतलब ये जो प्रेजेंट सिस्टम है जिसकी मतलब जिसके हेल्प से मैं कह सकती हूँ, मेरे से अगर आप कोई मास पूछ लो किसी एलिमेंट का तो वो मुझे क्यों पता है, क्योंकि हमने उसे कैलकुलेट किया है किसकी हेल्प से, कार्बन 12 की हेल्प से। तो प्रेजेंट सिस्टम में कार्बन 12 को रेफरेंस रखा गया था, रेफरेंस मतलब कि इसकी हेल्प से हम किसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आप मार्केट में जाते हो, आप क्या करते हो, मतलब आप बनानास खरीदने गए तो आप बोलोगे मुझे 1 dozen बनाना चाहिए, तो वो दे देगा भी 1 dozen भी इतने बनाना आते हैं। फाइनली अगर आप उसको बोलो मुझे 6 dozen बनाना चाहिए तो जब आपको 1 dozen की वैल्यू पता है तो आप इजीली 6 dozen की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप कार्बन 12 की हेल्प से आप दूसरों की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हो, तो कार्बन 12 आइसोटॉप को एज अ रेफरेंस सेट किया गया। देखो कार्बन 12 इज वन ऑफ द आइसोटॉप ऑफ कार्बन एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज C12 से बोला जाता है। इन दिस सिस्टम C12 इज असाइंड अ मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मासेस यूनिट, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट एंड मासेस ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स आर गिवन रिलेटिव टू दिस स्टैंडर्ड, मतलब इसको स्टैंडर्ड एज रेफरेंस रखा गया भी इसकी हेल्प से हम बाकियों को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब एटॉमिक मास यूनिट ये जो ब्रैकेट में AMU क्या लिखा है, ये यूनिट होती है। जैसे मान लो मैं बोलती हूँ, मैंने बोला 12 बनानास, तो बनानास एक उसकी वो हो गया ना, जैसे बोल रहे 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर एक यूनिट हो गया। सिमिलरली मैं बोल रही हूँ 12 AMU, AMU का मतलब क्या हो, एटॉमिक मास यूनिट, एक उसकी यूनिट हो गई, जैसे SI यूनिट आप ये सब पढ़ते हैं, ये वो हो गया, ठीक है। आगे देखो वन एटॉमिक मास यूनिट, अब देखो वो उसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है, AMU बेसिकली होता क्या, बेसिकली क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है। देखो वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज मास एग्जैक्टली इक्वल टू, मास किसके इक्वल होता है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 carbon 12 एटम। अब इसे कैसे कैलकुलेट किया गया, 1 AMU को कैलकुलेट किया गया टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 carbon 12 यानी कि आइसोटॉप ऑफ जो कार्बन है, 12th जो है आइसोटॉप वाला उसका 1/12 जब किया उसके मास का तो 1 AMU की वैल्यू आई और वो कितनी आई, 1.66056 × 10⁻²⁴ ग्राम्स। अब देखो इसकी हेल्प से हमने क्या किया, बाकियों के एटॉमिक मास को कैलकुलेट किया, क्यों, क्योंकि इसको रेफरेंस रखा गया था। तो मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन कितना, हमें पता है कि एक एटम का मास हाइड्रोजन का कितना होता है, 1.6736 × 10⁻²⁴ ग्राम्स होता है। अब देखो अब अगर मैं बोलूँ भी AMU के टर्म्स में, एटॉमिक मास यूनिट की टर्म्स में हमें हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट करना है तो हम 1 AMU से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास AMU के टर्म्स में इसका आंसर आ जाएगा। आपको इतना इन डिटेल समझने की इसको ज़रूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए 1 AMU क्या है और हाइड्रोजन, और मतलब हाइड्रोजन का मास आप इजीली याद कर सकते हो और ऑक्सीजन का भी इन्होंने AMU के टर्म्स में दिया है, आप इसे याद कर सकते हो, इसको इन डिटेल इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा, जो पूछा जाएगा आपको बता दिया भी 1 AMU क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिकुलर मास क्या होता है, ओके। आगे देखो At present, AMU has been replaced by U. अब देखो आजकल के टाइम में AMU की जगह पर हम सीधा U भी लिख देते हैं। U होता है यूनिफाइड मास, U क्या होता है, यूनिफाइड मास होता है। When we use atomic masses of elements in calculation, जब हम atomic mass को calculation, कोई भी मतलब सम में निकालने को दे दिया जाता है उसको उसमें use करते हैं, we actually use average atomic masses, तो हम उस time पर average atomic mass use करते हैं। कैसे, एक example बताती हूँ, आपने periodic table देखा होगा, periodic table में आपको chlorine का दिख रहा होगा, chlorine का जो mass होता है basically, तो chlorine का 35.5 होता है, अब वो क्या है, वो average atomic mass है, मतलब जो हम mass निकालते हैं ना हर एक atom का, पीरियोडिक टेबल में आपको बहुत सारे एलिमेंट्स दिखेंगे, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड, मतलब बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, तो उनके एटॉमिक मासेस होते हैं, एटॉमिक मास होता है एटम का मास, तो वहाँ पे सारे एटम्स होते हैं, तो उनके मास कहाँ से निकाले जाते हैं, एवरेज एटॉमिक मास की हेल्प से निकाले जाते हैं।
अब आता है एवरेज एटॉमिक मास होता क्या है. मैनी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज मोर देन वन आइसोटॉप. बहुत ज़्यादा नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं जो मोर देन वन आइसोटॉप एग्जिस्ट करते हैं. जैसे कार्बन अभी लिया था, अभी कार्बन जो है वो एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कार्बन 12, कार्बन 14. तो आइसोटॉपिक फॉर्म है, एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन उसका एटॉमिक मास डिफरेंट है, मास नंबर डिफरेंट है, तो आइसोटॉप्स हैं. तो अगर एक एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसका कौन सा मास लेंगे. अब कार्बन जो है वो C12 में भी एग्जिस्ट कर रहा है, C14 में भी कर रहा है, तो कौन सा मास सही है कैसे बताऊँगी मैं, तो वो एवरेज एटॉमिक मास की हेल्प से बताऊंगी. एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं. व्हेन वी टेक इनटू अकाउंट द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज आइसोटॉप्स एंड देयर रिलेटिव अबंडेंस, भी वो कितना प्रेजेंट है. रिलेटिव अबंडेंस मतलब परसेंटेज अबंडेंस, परसेंटेज अक्रेंस, भी वो टोटल कितना प्रेजेंट है. ठीक है, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट कैन बी कंप्यूटेड. हम एवरेज एटॉमिक मास को कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें उसका परसेंटेज कंपोजिशन भी कितना परसेंट प्रेजेंट है. मान लो मैं कह रही हूँ भी मैं मतलब लाइक चाय बना रही हूँ, चाय में मैं कहूँगी भी इतनी चीनी प्रेजेंट है, इतने परसेंट चीनी है, तो अगर मुझे वो पता है ना तो मैं उसका मास कैलकुलेट कर सकती हूँ. सिमिलरली अगर मुझे किसी एलिमेंट का मास निकालना है तो मुझे उसके मतलब क्या पता होना चाहिए, उसकी एवरेज अबंडेंस परसेंटेज अक्रेंस भी कितना वो प्रेजेंट है वो पता होना चाहिए. एग्जाम्पल देखो उसने दिया, कार्बन हैज़ फॉलोइंग 3 आइसोटॉप्स. कार्बन के ना 3 आइसोटॉपिक फॉर्म होती है, C12, C13 और C14, 3 आइसोटॉपिक फॉर्म्स, सॉरी हाँ जी, कार्बन की 3 आइसोटॉपिक फॉर्म्स होती हैं, C12, C13 और C14. अब इन्होंने हमें दे दिया रिलेटिव अबंडेंस यानी कि परसेंटेज अबंडेंस, मतलब वो कितना परसेंट प्रेजेंट है, तो ये हमें उसने दे दिया. तो इसकी हेल्प से हमने क्या किया, उसका एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लिया. अब आगे देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब ये जो हमें एटॉमिक मास दे रखा है, C12 का एटॉमिक मास 12 है, C13 है, कार्बन 13 आइसोटॉप है, उसका 13 पॉइंट इतना है, C14 का इतना है. तो अगर मान लो मैंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था बड़े वाला, उसमें कार्बन का कितना मास दे रखा है, क्या इन तीनों में से कोई है, नहीं. हम इन तीनों की हेल्प से उसको कैलकुलेट करते हैं, और जब हम उसे कैलकुलेट करते हैं उसे बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास. ठीक है, अब आप देखो मैं क्या बोल रही थी आपको भी, अगर कोई एक एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे यहाँ कार्बन 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो कौन सा मास लूँ, 12 लूँ, 13.00335 लूँ या 14.00317, कौन सा लूँ, कौन सा करेक्ट है, पीरियोडिक टेबल में कौन सा लिखा जाएगा या जब मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ कौन सा लिखा जाएगा. तो अब हम उसे कैलकुलेट करेंगे. जब ऐसा कुछ आ जाता है भी एक से ज़्यादा फॉर्म्स होती हैं तो हम एवरेज एटॉमिक मास क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं. अब आप डाटा से हम उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंटेज अबंडेंस इनटू उसका मास, ठीक है, सारों का सम करो डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, अब देखो कैसे परसेंटेज अबंडेंस के इसकी कितनी दे रखी थी. हाँ जी, अब आप देख सकते हो इन्होंने क्या किया है, उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, इन्होंने पहले ही 100 से डिवाइड कर दिया है, इस वजह से 0.98892 लिया है. ठीक है, और ऐसे ही इन्होंने जब सारे को सॉल्व किया तो एवरेज एटॉमिक मास जो आया 12.011 यू आया है. यू होता है एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम आजकल की लैंग्वेज में यूनिफाइड मास कहते हैं. अभी ऊपर बताया था ना आपको, है ना डियर स्टूडेंट्स, तो ये तो आपको होपफुली क्लियर हो ही चुका होगा. अब आप देखो ये जो चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ भी, ये परसेंटेज अबंडेंस, एवरेज एटॉमिक मास, जो ये सारा कंसेप्ट है, ठीक है, जो ये सारा कंसेप्ट है एवरेज एटॉमिक मास वाला, परसेंटेज एटॉमिक, ये परसेंटेज अबंडेंस वाला, ये आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, आप कैसे चेकआउट कर सकते हो. स्टूडेंट्स जैसे कि मैं आपको बोल रही थी, जो रिलेटिव अबंडेंस होता है या परसेंटेज कंपोजिशन और जो उसका एटॉमिक मासेस है, इससे हम एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसके फॉर्मूला के साथ मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी करवाए हैं, जो आपको जो मेरी वीडियो लेक्चर है ब्लैक बोर्ड पर आप वो देख सकते हो, उसके अंदर विद क्वेश्चंस करवाए हैं, और एक शायद होमवर्क भी दिया था उसके अंदर, तो आप वो वहाँ पर जाकर देख सकते हो. आपकी प्रैक्टिस करनी है तो आप वहाँ जाके देख सकते हो. अगर ओनली एनसीईआरटी रीड करनी है तो यू कैन कंटिन्यू विद मी. ठीक है, अब आगे देखिए, सिमिलरली एवरेज एटॉमिक मासेस, एक सेकेंड, हाँ जी, सिमिलरली एवरेज एटॉमिक मासेस फॉर अदर एलिमेंट्स कैन बी कैलकुलेटेड. मतलब जैसे हम कार्बन का कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, परसेंटेज अबंडेंस इंटू आपने उसका एटॉमिक मास प्लस दूसरे की परसेंटेज अबंडेंस इंटू एटॉमिक मास, ऐसे सारे आइसोटॉप्स की कर लो डिवाइडेड बाय 100. तो यहाँ पर आप पूछोगे मैम यहाँ पर ऊपर तो परसेंटेज अबंडेंस 98.892 दे रखा है, तो आप ऐसे करके कर लो डिवाइड बाय 100 कर लेना. इन्होंने जो किया है, इन्होंने पहले ही उसे 100 से डिवाइड कर दिया है. इन्होंने क्या किया, परसेंटेज अबंडेंस है उसको पहले ही 100 से डिवाइड करके सारों को इकट्ठे लिख दिया. तो और मैंने क्या किया, मैंने सारों को करके बाद में 100 से डिवाइड किया. तो आप जैसे मर्जी कर सकते हो. ठीक है, सिमिलरली एवरेज एटॉमिक मासेस फॉर अदर एलिमेंट्स कैन बी कैलकुलेटेड इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, मैं आपको बेसिकली फॉर्मूला के साथ बता रही हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हो, इट्स राइट वे. ओके, आगे देखो,
In the periodic table of elements, the atomic mass is mentioned for different elements actually represent their average atomic mass. मैं अभी बोल रही थी ना, periodic table के अंदर carbon का क्या mass दे रखा होगा, वो उसका average atomic mass होगा, क्योंकि carbon एक से ज़्यादा form में है. Similarly, chlorine है, neon है, इनके भी isotopes होते हैं, oxygen का भी होता है, तो आपको वो देखने को मिल जाएंगे. मैंने questions practice video में करवाए हैं, playlist में जाकर आप उसे देख सकते हो dear students. अब देखो यहाँ पर क्या है, ये तो था एटॉमिक मास क्या होता है. अब हमारा क्वेश्चन अराइज करता है मॉलिक्यूलर मास क्या होता है. आपको पहले भी बताया एटॉमिक मास जो होता है वो एटम के लिए होता है, मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो मॉलिक्यूल के होता है. तो देखो, मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. मान लो जैसे वाटर की बात कर रही हूँ, अब एटॉमिक मास क्या होता था, अभी जैसे हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ तो अकेले हाइड्रोजन का मास, लेकिन मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, हाइड्रोजन या दो हैं तो दो हाइड्रोजन का मास और एक ऑक्सीजन का मास, जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है उन सबके मासेस को जोड़ दोगे तो वो मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा. ठीक है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, जितने भी एटम्स हैं उन सबके एटॉमिक मासेस को जोड़ दो, सबके मतलब हाइड्रोजन या दो हैं तो दो हाइड्रोजन के जोड़ोगे, एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन को जोड़ोगे, ऐसे. और एटॉमिक मास एक एटम का होता है, मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल्स का होता है. इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मासेस ऑफ ईच एलिमेंट बाय द नंबर ऑफ इट्स एटम. जैसे हाइड्रोजन के दो है तो 2 into हाइड्रोजन हो जाएगा, एक ऑक्सीजन है तो 1 into ऑक्सीजन का हो जाएगा, ऐसे. ये यहाँ पे थोड़ा करेक्टली नहीं लिखा जा रहा, ठीक है, आगे मैं आपको दिखाती हूँ. देखो वो कहता है फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिथेन, मिथेन का उन्होंने एग्जाम्पल लिया. मिथेन क्या होता है, CH4 होता है. अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूँ, आगे जाके ऑर्गेनिक में आप स्टडी करोगे, ऑर्गेनिक भी शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हो वीडियोज वो भी. तो CH4 के अंदर देखो एक कार्बन है और चार हाइड्रोजन है, तो एक कार्बन का मास प्लस 4 into हाइड्रोजन का, क्योंकि टोटल चार एटम है हाइड्रोजन के तो उसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे. तो देखो कार्बन का कितना होता है, 12.011 होता है और हाइड्रोजन का 1.008 होता है. ये आपको प्रैक्टिस के बाद याद हो जाते हैं, भी इसका इतना होता है, इतना इसका उतना होता है, या फिर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, टेंशन मत लो. तो 4 into ये होगा क्योंकि चार हाइड्रोजन के प्रेजेंट है. तो इस तरह से हमने क्या किया, मिथेन का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लिया, 16 आ गया हमारे पास. सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास वाटर का कैलकुलेट करना है तो 2 into हाइड्रोजन का प्लस 1 into ऑक्सीजन का, तो ये भी 18 आ गया. तो इस तरह से हम मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं. अब आता है फॉर्मूला मास की, मैं पहले भी बता चुकी हूँ. फॉर्मूला मास जो होता है ये आयनिक स्ट्रक्चर्स के लिए होता है, जैसे NaCl वगैरह वाले स्ट्रक्चर, मतलब Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव वाले स्ट्रक्चर्स के लिए. तो देखो फॉर्मूला मास क्या होता है, फॉर्मूला मास 12th स्टैंडर्ड में सॉलिड स्टेट में जाकर आप इसको स्टडी करने वाले हो. फॉर्मूला मास में वो क्या कहता है, सम सब्सटेंसेस, कई सब्सटेंसेस जैसे कि सोडियम क्लोराइड, जैसे मैं अभी बोल ही रही थी NaCl. अगर आप NaCl को खोलोगे तो ये पता क्या होता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये होता है. तो ये सब जो होते हैं ना, दे डू नॉट कंटेन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स. ये ना डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स नहीं कंटेन करते. इन कंपाउंड्स में क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है. जैसे Na पॉजिटिव है तो Cl नेगेटिव, ये देखो पॉजिटिव सोडियम आयन होता है और नेगेटिव क्लोराइड आयन होता है, ये प्रेजेंट होते हैं. और ये कैसे प्रेजेंट होते हैं, ये 3-dimensional स्ट्रक्चर में. ये देखो ये फिगर है, ये NaCl का स्ट्रक्चर है, ये इस फॉर्म में प्रेजेंट है. आगे जाके 12th स्टैंडर्ड में सॉलिड स्टेट में आप इसका स्ट्रक्चर बनाना भी सीखोगे, आगे जाके आपको सब एक्सप्लेन होगा, तो टेंशन नहीं लेनी भी क्या चीज़ है. आगे देखो, इट मे बी नोटेड दैट, अगर आप ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार पूछ भी लेते हैं, सोडियम क्लोराइड मतलब एक Na पॉजिटिव. देखो सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl. अब इसकी अरेंजमेंट कैसे है, आपको डायग्राम में दिख रही है, लेकिन इसकी अरेंजमेंट ऐसी नहीं होती भी एक Na के साथ एक ही Cl जुड़ा है, नहीं, एक Na जो है वो टोटल 6 Cl के साथ सराउंडेड है, समझ पा रहे हो, एक Na 6 Cl के साथ सराउंडेड होता है, ऐसे ही Cl Na के साथ सराउंडेड होता है. द फॉर्मूला सच एज NaCl इज यूज टू कैलकुलेट फॉर्मूला मास. अब मान लो ऐसे स्ट्रक्चर्स का हम क्या मास कैलकुलेट करेंगे, एटम के लिए एटॉमिक मास होता है, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास होता है, लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर्स के लिए, आयनिक स्ट्रक्चर्स के लिए क्या होता है, फॉर्मूला मास होता है. इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर मास हम ये यूज करते हैं और सॉलिड स्टेट में यूज करते हैं, ठीक है. अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब इसका फॉर्मूला मास इन्होंने कैलकुलेट करके दिखाया है. तो ये क्या है, दस द फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, सोडियम का एटॉमिक मास प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन. सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23.0, इसमें इन्होंने क्लोरीन का जब एटॉमिक मास जोड़ा तो ये हो जाएगा 58.5, ठीक है. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर सकते हैं. अब एक क्वेश्चन जो कि बहुत ईजी है, देखो सॉल्व करवा देती हूँ. वैसे तो ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास निकालो ग्लूकोज का फॉर्मूला उसने दे दिया, C6H12O6, मतलब 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन 6 है. तो 6 into कार्बन का मास प्लस 12 into हाइड्रोजन का मास प्लस 6 into ऑक्सीजन का मास. देखो 6 into कार्बन का प्लस 12 into हाइड्रोजन का प्लस 6 into, यहाँ से देखो इस फॉर्मूला से 6 कार्बन है तो 6 into कार्बन का मास, 12 हाइड्रोजन है तो 12 into उसका मास, और 6 ऑक्सीजन है तो 6 into ऑक्सीजन का मास. तो इस तरह से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं.
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप सीधा इसका मास जो है वो 12 भी ले सकते हो, जैसे कार्बन का हमें पता है 12 होता है, क्यों, क्योंकि हम अप्रॉक्सीमेट लेके चलते हैं, राउंड ऑफ लेके चलते हैं, तो 12 ले लेते हैं, तो हम इसे कैलकुलेट ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है अभी पॉइंट्स में ही याद करना आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पूरा एक्यूरेट हमें वहाँ पर याद नहीं होता, हम इसीलिए राउंड ऑफ करके लेके चलते हैं, कार्बन का 12 ऐसे लेके चलते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का 16 हो गया, हाइड्रोजन का 1 हो गया, ऐसे। अब देखो, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है मोल कंसेप्ट एंड मोलर मासेस। मोल कंसेप्ट एंड मोलर मासेस क्या होता है, मोल कंसेप्ट क्या होता है, जैसे मैंने बोला हमने एक रेफरेंस सेट कर दिया, अगर हम मार्केट में जा रहे हैं 12 बनानास खरीदने, तो वही केमिस्ट्री के अंदर मैं ये थोड़ी बोलूँगी भी 12 बनानास, नहीं, केमिस्ट्री के लिए मैं क्या वर्ड यूज़ करूँगी, मार्केट में गई तो मैंने बोला 20 ग्राम मुझे ये दे दो, लेकिन केमिस्ट्री में अगर कोई केमिकल रिएक्शन कर रही हूँ तो मैं क्या बोलूँगी, तो उसके लिए मैं टर्म यूज़ करती हूँ मोल। देखो, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज, जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं साइज में, एंड देयर नंबर्स इन इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज रियली वेरी लार्ज। दोबारा पढ़ते हुए देखो, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज एंड देयर नंबर्स इन इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज रियली वेरी लार्ज, मतलब बहुत बहुत थोड़ी अमाउंट होती है, बहुत छोटी होती है। टू हैंडल सच नार नंबर्स, मतलब उनका जब आप मास देखोगे ना तो ऐसे होगा 12.0000, ऐसे बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, तो एक आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, एक आपको तरीका चाहिए इसको समझने के लिए। अब आप मान लो बोलने जा रहे हो अभी कार्बन का ये मास है, आप ये थोड़ी ऐसे लग जाओगे 12.0000, नहीं ना, वही मैंने आपको बोला, आप मार्केट में तो जाके बोल सकते हो 12 ग्राम का ये दे दो, लेकिन केमिस्ट्री में क्या बोलोगे। तो इसके लिए इन्होंने कुछ वर्ड डिनोट किया, देखो वही चीज़ जो मैंने समझाई उसने यही बोला, जस्ट एज वी डिनोट 1 dozen फॉर 12 आइटम्स, जैसे कि हम 1 dozen का मतलब हमें पता है, मार्केट में गए हमने बोला 1 dozen, इसका मतलब क्या है, 12 चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसे ही हम बोल देते हैं भी स्कोर फॉर 12 आइटम्स, ग्रॉस वर्ड यूज़ करते हैं फॉर 144 आइटम्स, वी यूज़ द आइडिया ऑफ मोल टू काउंट एंटाइटीज एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, मतलब बहुत छोटे लेवल के लिए, केमिस्ट्री में तो बहुत छोटी छोटी बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होता है, एटम का साइज बहुत स्मॉल होता है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, मोल वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि हम बनानास के लिए 1 dozen यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 12 बनानास आएंगे, वैसे ही केमिस्ट्री के अंदर अगर बहुत छोटा साइज है तो उसके लिए हम मोल वर्ड यूज़ करेंगे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए। इन ऐसा सिस्टम मोल जिसका सिंबल होता है MOL वॉज इंट्रोड्यूस एज 7th बेस यूनिट क्वांटिटी, ये मतलब आप ऐसे सिस्टम में देखोगे 7th बेसिक क्वांटिटी है जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिफाइन करती है, ठीक है। द मोल सिंबल जिसे MOL कहते हैं इज द SI यूनिट, ये SI यूनिट किसका होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिफाइन करता है। एक मोल किसके इक्वल होता है, 6.022 × 10³ एलिमेंट एंटाइटीज के इक्वल होता है। 6 moles किसके इक्वल होगा, 6 × ये मल्टीप्लाई कर दोगे ऐसे। दिस नंबर इज फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एवोगैड्रोस कांस्टेंट, ये नंबर जो होता है ये एवोगैड्रो कांस्टेंट कहा जाता है NA, इसको 6.022 × 10³ को हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं, NA से भी डिनोट करते हैं। देखो, इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर और इसे हम यूनिट पर मोल में रिप्रेजेंट करते हैं। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसका सिंबल होता है N ऑफ द सिस्टम इज अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट्री एंटाइटीज, भी कितने वो प्रेजेंट है। एन एलिमेंट्री एंटाइटी मतलब जो छोटे पार्टिकल्स हैं उनके लिए ही मोल यूज़ करते हैं, जैसे एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, कोई भी पार्टिकल। इट मे बी एम्फेसाइज दैट द मोल ऑफ अ सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन द सेम नंबर ऑफ एंटाइटीज नो मैटर व्हाट द सब्सटेंस मे बी, वो कहते हैं जैसे हमें पता है भी 1 dozen में 12 आएंगे, सिमिलरली एक मोल में 6.022 × 10³ आएंगे, वो चेंज नहीं होगी कभी भी वैल्यू, ठीक है। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन दिस नंबर प्रिसाइजली द मास ऑफ कार्बन 12 वॉज डिटरमाइंड बाई मास स्पेक्ट्रोमीटर, अब कार्बन 12 का मास स्पेक्ट्रोमीटर के हेल्प से जब निकाला गया तो वो आया 1.99 × 10⁻²⁵ ग्राम्स। अगर हमें इसे मोल्स की फॉर्म में निकालना है तो हमने क्या किया, 12 को हमने इससे डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें पता है भी 12 ग्राम होता है, एक मोल कार्बन में 12 ग्राम कार्बन प्रेजेंट होता है, तो उसे डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, यानी कि NA एवोगैड्रो नंबर यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। हमें ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है, हमें इतना पता होना चाहिए एवोगैड्रो नंबर क्या होता है और एक मोल जो होता है वो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है, सिर्फ इतना ही सफिशिएंट है। आगे देखो, दिस नंबर एंटाइटी इन वन मोल इज सो इम्पॉर्टेंट दैट इट इज गिवन अ सेपरेट नेम एंड सिंबल, इसे एक नेम दिया गया जिसे एवोगैड्रो कांस्टेंट या NA भी कहा जाता है, ठीक है। टू अप्रिशिएट द लार्जनेस ऑफ दिस नंबर लेट अस राइट इट टू द ऑल जीरोज विदाउट यूजिंग एनी पावर ऑफ 10, देखो इन्होंने इसे खोल के लिख दिया इस तरह से, ठीक है। आगे देखिए, वी कैन देयरफॉर से दैट वन मोल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स इतना एटम्स, वन मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इसीलिए हम NA टर्म NA वर्ड यूज़ होता है, मोल वर्ड यूज़ होता है। आगे जाके आपको क्वेश्चंस में समझ आ जाएगा क्या चीज़ है NA कहाँ यूज़ होता है, तो टेंशन मत लो, ये आगे जाके क्लियर होगा या अभी क्लियर नहीं होगा, ठीक है। Having defined the mole, mole को define करने के लिए हम कह सकते हैं the mass of one mole of a substance in grams is called molar mass। तो अगर आप molar mass अगर आपसे पूछ लिया जाता है, molar mass क्या होता है, mass को अगर आप ग्राम्स में लिखोगे दैट इज मोलर मास। द मोलर मास इन ग्राम्स इज न्यूमेरिकल इक्वल टू एटॉमिक मॉलिक्यूल या फिर फॉर्मूला मास इन यू।
ठीक है, जैसे वाटर का मोलर मास क्या होगा, आप ग्राम्स में लिखोगे 18 ग्राम्स। मोलर मास सोडियम का क्या होगा, वही जो आपका निकाला ना उसको बस ग्राम्स में लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, मोलर मास। अगर उसको यू में लिखोगे तो वो उसका एटॉमिक मास हो जाएगा। यू क्या होता था, यूनिफाइड मास, लेकिन ग्राम्स में लिखोगे तो मोलर मास कहलाएगा वो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम परसेंटेज कंपोजिशन से शुरू करेंगे। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हो, और एक और चीज़, इसकी PDF जो है, अगर किसी स्टूडेंट के पास ये नहीं है पेजेस तो वो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ जी, अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा है तो शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।